हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूही ऑन द ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर बिरयानी, जो कि नवरात्रि स्पेशल है। तो मटर पनीर बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए मटर पनीर, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, राइस, बिरयानी राइस मीन्स, और दही और कड़ी पत्ता। तो हम स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बिरयानी बनाना। तो हम इस पहले पैन को गरम कर रहे हैं, तो पैन भी हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। घी की जगह आप तेल भी, रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, बट नवरात्रि स्पेशल इसलिए मैंने घी डाला है। तो उसमें अब हम डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम उसमें डालेंगे होल गरम मसाला। होल गरम मसाला डालने से बिरयानी या फिर किसी भी सब्जी की का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो गरम मसाला हमने डाल दिया है। गरम मसाला हमारा पकने के बाद हम इसमें थोड़ा, दो चुटकी डालेंगे हींग। हींग डाल दिया है मैंने, हींग डाल दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, बिना कड़ी पत्ता के बिरयानी तो बन ही नहीं सकती। इसलिए हम अब इसमें डालेंगे टमाटर। तीन टमाटर हमने कट कर लिया था, तो तीन टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छे से पकाएंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद ही हम उसमें डालेंगे मिर्च। मिर्च फ्लेवर के लिए मैंने डाला है। और उसके बाद हम डालेंगे मटर। मटर को अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम मसाले डालेंगे। मसाले डाल के फ्राई करेंगे। तो मैंने हल्दी डाल दिया है, हल्दी डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे धनिया। धनिया डालने के बाद गरम मसाला और देगी लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च डालने से हमारी सब्ज़ी या फिर बिरयानी का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मसाले डालने के बाद हम मसाले को भी अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर को भी अच्छे से पकाएंगे, ज़्यादा हम इसे भूनेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, नहीं तो पनीर हमारी टूट जाएगी। उसके बाद हम इसमें दही दही डालेंगे, फिर राइस। और जितना हमने राइस डाला है उसी बर्तन से हम पानी भी डालेंगे, उतना ही। एक कप मैंने राइस डाला है, तो एक कप पानी ही डाला है। तो अब हम इसे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे ढककर हम पकाएंगे 20 मिनट तक। हम इसे ढककर पकाएंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी बिरयानी देखिए, 20 मिनट हो गई है तो मेरी बिरयानी हो गई है रेडी। तो बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, तो आप नवरात्रि में इसे ज़रूर ट्राई करें। बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत अच्छा बनता है, तो आप इसे अपने नवरात्रि में ज़रूर आप इसे ट्राई करेंगे। और फिर हम धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर चुके हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो मैंने बिरयानी के साथ बनाया है कीवी और कोकोनट की चटनी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी कीवी और कोकोनट की चटनी की रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।